आखिर क्यों कार्तिकेय भगवान ने दिया माता पार्वती को विधवा होने का श्राप? क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। दोस्तों, भगवान शिव शंकर के पुत्र कार्तिकेय के श्राप का भय आज भी नारी जाति के जहन में विद्यमान है। इसके डर से पिरोहा सरस्वती तीर्थ के तट पर स्थित एकमात्र कार्तिकेय के मंदिर में नारियों का प्रवेश वर्जित है। लेकिन इसी के बावजूद भी चैत्र 14 मेले पर भगवान कार्तिक का तेल से तिलक करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं। जब भगवान शंकर पुत्र कार्तिकी का राज तिलक करने का विचार करने लगे, तब माता पार्वती छोटे पुत्र गणेश को राज तिलक करवाने के लिए हट करने लगे। तभी ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी सहित सभी देवी देवता एकत्रित हुए और सभा में यह निर्णय लिया गया कि दोनों भाइयों में से जो समस्त पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले पहुंचेगा वही राज तिलक का असली भागीदारी होगा और अधिकारी भी होगा। भगवान कार्तिकेय प्रिय वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए चल पड़े और जब गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठकर चक्कर लगाने के लिए जाने लगे, तभी माता पार्वती गणेश जी को कहने लगी कि वत्स, तुम यहीं पर एकत्रित हुए समस्त देवगणों की परिक्रमा करो क्योंकि त्रिलोकीनाथ यहीं विद्यमान है। माता पार्वती के ऐसा समझाने पर गणेश जी ने 3 चक्कर लगाकर भगवान गणेश, भगवान विष्णु और ब्रह्मा के अलावा माता पार्वती के भी 3 चक्कर लगाए और अपनी परिक्रमा पूरी की और कहा, प्रभु मैंने संपूर्ण जगत के परिक्रमा कर ली है। भगवान शंकर जी विस्मित हुए और उनके समेत सभी देवों ने गणेश जी को राज तिलक कर दिया, शुभ अशुभ कार्यों में प्रथम पूज्य का अधिकार भी दे दिया। उधर मार्ग में नारद जी ने कार्तिक को सारा वृतांत कह डाला। अब कार्तिकेय जी अति शीघ्र परिक्रमा करके सभा स्थल पर आ पहुंचे और माता पार्वती जी से सारा हाल जानकर बोले, हे माता, आपने मेरे साथ छल किया है, बड़ा होने के नाते राज तिलक तो मेरा ही अधिकार था, तुम्हारे दूध से ही ये मेरी खाल और मांस बना हुआ है, मैं इसको अभी उतार देता हूँ। अत्यंत क्रोधित होकर कार्तिकेय जी ने अपनी खाल और मांस उतार कर माता के चरणों में रख दिया और समस्त नारी जाति को श्राप दिया कि मेरे इस स्वरूप की जो स्त्री दर्शन करेगी वह 7 जन तक विधवा रहेगी। सभी देवताओं ने उनके शारीरिक शांति के लिए तेल और सिंदूर का अभिषेक कराया जिससे उनका क्रोध शांत हुआ। शंकर जी ने और अन्य देवताओं ने कार्तिकेय जी को समस्त देवों का सेनापति बना दिया। तब भगवान कार्तिकेय जी पृथक्त में सरस्वती तट पर पिंडी रूप में स्थापित हो गए और उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मेरे शरीर पर तेल का अभिषेक करेगा उसके मृत्यु के प्राप्त हो गए पितृ आदि बैकुंठ में प्रतिष्ठित होकर मोक्ष के अधिकारी होंगे और कर्म क्रिया, पितृपिंड और आदि कार्य सरस्वती पर कराने के बाद उनकी मेरे द्वारा साक्षी होगी। तो इस तरह कार्तिकेय जी ने समस्त नारी जाति को श्राप दिया था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।